आपका नाम होना चाहिए, वो भी एक। चल बता तेरे बाप का नाम क्या है। हेंदे पुत्र, हेंदे। संगीत की इतनी बेइज्जती भी ना कर पुत्र के तेरे बाप की गर्दन झुक जाए। पर ज्यादा तुमने क्या किया सिकंदर? ये बेटी के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना हमारा तैयार नहीं है, उसकी उम्र कच्ची है, हुनर कच्चा है, लेकिन अरे सुन, जिद है, जिद तुम्हारी जिद। तुम्हारी वजह से आज मैं, मेरी बेटी, मेरा संगीत, मैनू छोड़ो यार, मैनू छोड़ो, मेरा संगीत, मेरी बच्ची, मजाक उड़ गया यार दोनों का। निम्रत कौर। अच्छा एक बात बता, ये तेरे बाप का नाम जिनानियों जैसा क्यों लग रहा है? मेरी माँ भी है और बाप भी। हेलो जी भल्ला जी, अब ऐसे लोग इनके जगराते में गाएंगे जिन्हें अपने बाप का नाम तक नहीं पता। बता दे पुत्र, तेरे बाप का नाम बंद कर दे ना तुम। अरे इसके बाप का नाम इसे तो क्या, इसकी माँ तक को नहीं पता होगा कि इसका बाप कौन है, है? मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। अरे बित्ते भर की छोरी हमें डरा रही है। चल जा, जाके अपनी माँ से अपने बाप का नाम पूछ कर आ जा। मैंने कहा ना मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। अरे बेटा तेरी माँ बहुत चालू औरत होगी, और ऐसी औरतें होती है जिनके बच्चों को अपने बाप का नाम तक पता नहीं होता। I'm sorry, lovely. मुझे वो सिक्का वापस चाहिए। I think सिक्का खोटा है। तबीयत बहुत खराब है और बीमारी बहुत फैल चुकी है, और फौरन का इलाज नहीं किया तो क्या डॉक्टर साहब, तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। आइए मैं आपको छोड़ देता। कल
की मरती है आज ही मर जाए। जितनी जल्दी महारानी मरेगी ना उतनी जल्दी कुल्फी कम ना खाएगी और अपनी मम्मी को पैसे कमा के देगी। माँ, डॉक्टर चाचू। शोर मत करो, वो बहुत बीमार है। आपको क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, आप अभी तक यहाँ हैं? अरे आपके मरीज आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं और भगवान को ना देर नहीं करनी चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, आप ना किसी बात की चिंता मत करना, आज से 5 दिन तक आपके घर पे ना दूध एकदम मुफ्त पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, रुक, क्या चाचू चाचू कर रही है? ओए तुम जगराते से इतनी जल्दी कैसे आ गई? पूरा गाना तो गाया ना तूने? हाँ मामी, पूरा गाना गाया, मैंने कसम जो दी थी। माँ तू ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, आई पड़ी कमजोर कहीं की। माँ अब तो झूठ बोलने लगी, डॉक्टर चाचू तो तब बात है ना जब थोड़ी नहीं ज्यादा तबीयत खराब होती है। कुछ नहीं हुआ कुल्फी, सही में बस थोड़ी सी खांसी है, डॉक्टर ने दवाई दी है, ठीक हो जाएगी। कुल्फी कुल्फी क्या हुआ है, रो क्यों रही है? बता बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही है? माँ मेरे पापा कौन है? सबके सामने अमायरा से इस तरह से बात करना जरूरी था? अगर तुझे उसका गाना नहीं सुनना था तो चला जाता वहां से, उस बेचारी बच्ची का दिल तोड़ने का क्या मतलब है? भाई साहब मैंने कला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ओए सिक्के है, अगर अकेला ही छोड़ना होता ना तो बचपन में ही छोड़ देता तुझे। छोड़ दिया तो पूछो, आप चाहिए ना भाई साहब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी बेटी पर चिल्लाने की? यहाँ देखो क्या कर कर आया तुम, सबके सामने मेरी बेटी की इंसाइट की तुमने। 2 कौड़ी के सिंगर से तुम्हें स्टार तो बना दिया पर एटीट्यूड आज भी तुम्हारा 2 कौड़ी का है। आप चाहिए ना भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं? आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का ड्रीम टूटा है, मेरा ड्रीम टूटा है सिकंदर। अगर तुम उसे बेसुरा कहोगे तो दुनिया क्या कहेगी? जो सच है वही कहा। इसीलिए आपको भेज रहा था भाई साहब, क्योंकि मैं जानता था कि बेइज्जती मेरी होगी और दर्द आपको होगा। तू ये क्यों पूछ रही है, बताना क्या हुआ है? माँ शराबी चाचू कह रहे थे नाम रोशन करने के लिए बाप का नाम पता होना चाहिए, और वो कह रहे थे कि तू बहुत चालू औरत होगी, और वो कह रहे थे इसकी माँ तक को नहीं पता होगी इसका बाप कौन है। तुझे तो पता है ना माँ, मैं कभी नहीं रोती, चाहे कोई कहे तेरे पास नए कपड़े नहीं है, मैं तब भी नहीं रोती माँ। पर आज जब उन्होंने कहा कि मेरे पास पापा नहीं है तो मैं मुझे तो उनका नाम तक नहीं पता माँ, अगर नाम पता होता ना तो एक एक को चूरन छिटा देती, पर मेरे पास ना बाबा है ना बाबा का नाम। मेरे पापा है ना या फिर मैं सीधा भगवान के यहाँ से आई हूँ, किसी के पास जूते हो ना हो
अंदर कपड़े होना, पर सबके पास पापा होते हैं। मुझे भी पापा चाहिए। मेरे पापा कौन है? मेरे पापा कहाँ रहते हैं? मेरे पापा जिंदा तो हैं?